कमांडर के द्वारा, सेकंड कमांडर और एक नंबर प्लाटून, दो नंबर प्लाटून, प्लाटून कमांडर आप हैं कुमार अभिषेक। कमांडर है नंदू कुमार, सारे जहां से अच्छा इन दोस्त का हमारा। और चार नंबर प्लाटून के प्लाटून कमांडर आप हैं पुलिस ऑफिसर रूपेश कुमार। और नंबर पांच प्लाटून के प्लाटून कमांडर आप हैं रवि प्रकाश। और छह नंबर प्लाटून का प्लाटून कमांडर है पुलिस ऑफिसर चंद्रगुणा शर्मा। छह प्लाटून माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए, और आप देख रहे हैं बैंड सारे जहां से अच्छा दोस्त का हमारा प्रोग्राम पर आगे बढ़ते हुए आज के बाद सभी पुलिस अधीक्षक अपने टोपी में ताज लगाकर अपने कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए प्रस्थान करेंगे। और यही जोशीला ताली का हमें इंतजार था, आप इसी तरह हौसला बढ़ाते रहें। और आप देख रहे हैं कन्हा बैच, आज के बाद जब भी फील्ड में जाएंगे सर पर ताज और कंधा बैच लगाकर जो बिहार पुलिस का प्रतीक है, अभिवादन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, और मैं शपथ दिलाने के लिए सादर अनुरोध करता हूं अकादमी उपनिदेशक डॉक्टर परवेज अख्तर सर को। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आचार नियमावली में पुलिस कर्मी के जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि भारतीय संविधान और अपने वरिये तथा साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा तथा मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी परिश्रम हर्ष और नम्रता के साथ करूंगा। आज पारंपरिक में सम्मिलित हुए हैं, आपके परिवार के जो सदस्य आए हुए हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एकेडमी ये परिसर में। उनको अच्छा लग रहा होगा आपको देख करके कि आप पूरी तरह प्रशिक्षण प्राप्त करके और सेवा करने के लिए तैयार होकर के जा रहे हैं। ये समय नहीं होता है लंबा भाषण करने का, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। प्रशिक्षण में होता क्या है, तीन चीज़ें होती हैं। एक बार मैंने आप लोगों से बातचीत की थी तो आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन जिसको नॉलेज आप कह सकते हैं, नॉलेज स्किल और एटीट्यूड, ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें। किसी भी प्रशिक्षण एकेडमी में
नॉलेज वो आपको दिया गया, दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है आपको, आईपीसी, आपको सीआरपीसी, आपको एविडेंस एक्ट और छोटे बड़े माइनर एक्ट्स 50 पढ़ने पड़ते हैं और अन्य विषय भी हैं, सबकी जानकारी दी जाती है, आपका नॉलेज पार्ट हुआ। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से काम चलता नहीं, जैसे फिंगरप्रिंट को लिफ्ट अगर लिफ्ट करना है तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ड्राइविंग को केवल थ्योरी पढ़ा करके ड्राइविंग नहीं सिखा सकते, स्विमिंग नहीं सिखा सकते, हॉकी खेलना नहीं सिखा सकते, फुटबॉल भी नहीं सिखा सकते, और केवल थ्योरी पढ़ा करके तो परेड भी करना नहीं चला, ये रथिक परेड करना भी नहीं सिखा सकते। तो स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको कंप्यूटर हैंडलिंग हो चाहे कोई चीज़ हो, तो नॉलेज आपको एकेडमी में दिया जाता है। और सोर्सेज बहुत हैं, वेरियस सोर्सेज हैं नॉलेज के, उससे भी आपको नॉलेज होता है। स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और आप में अगर जागरूकता है और आप उत्साही हैं, कर्मठ हैं, तो स्किल आप जीवन भर अपना बढ़ाते रहते हैं। लेकिन सबसे तीनों कंपोनेंट में ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आई मीन आई कैनॉट से नॉलेज मोर इम्पॉर्टेंट, स्किल इज लेस इम्पॉर्टेंट, तो सब बराबर का महत्व है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो कंपोनेंट है वो एटीट्यूड का, ये इसकी ट्रेनिंग परफेक्ट किसी भी एकेडमी में नहीं होती। उसको सुधारने के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए छोटे छोटे मैनेजमेंट कैप्सूल तो बने हुए हैं, लेकिन वो मूलतः एकेडमिक है। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज है, जब आप यहाँ से जाएं तो सकारात्मक एटीट्यूड के साथ जाएं कि जीवन में करना क्या, चोरी करनी है, बेईमानी करनी है और अशांत जीवन भर रहना है, तबाह रहना है। और मैं तो हर जगह कहता हूँ कि खाली हाथ विनय प्रसाद के लिए, जिन्होंने दौड़ क्रॉस कंट्री घुटने मोड़ कर सीधा 50 मीटर टिप दौड़, 9 मीटर गद्दा, समांतर रस्सा, लंबवत रस्सा, पीटी एक्सरसाइज, सभी विषयों में अच्छा नंबर, सबसे अव्वल नंबर लाकर इन्होंने पीटी परेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम चाहेंगे जोरदार ताली, ताली बजते रहनी चाहिए, जिन्होंने 80 में 73 अंक प्राप्त लाया है आपने। और आज डीजीपी और निदेशक महोदय के कर कमलों के द्वारा यह सम्मान ग्रहण करते हुए अब और कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी और स्वच्छता के साथ करूंगा, ऐसा शपथ लेकर परेड कमांडर चंदन कुमार के आदेश पर कमान पर सभी पुलिस अवर निरीक्षक अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए आंखों में चमक, चेहरा पर खुशी का लहर। कहते हैं बड़ा ही मार्मिक क्षण था बिहार पुलिस अकादमी परेड मैदान का। कहते हैं वक्त का नगमा जुनों के साज पर गाते हैं हम, वक्त की नगमा जुनों के साज पर गाते हैं हम, हौसला की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम, हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, देश पर मरना हो तो मरने को आ जाते हैं हम, मरने को आ जाते हैं हम। यही शपथ के साथ आज सभी पुलिस अवर निरीक्षक पुनः अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए